तिवारीपुर थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने टॉप 20 लिस्ट में शामिल एक शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के कब्जे में से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। शातिर हिस्ट्री शीटर अजमतुल्ला और भोला की काफी दिनों से पुलिस को तलाश थी। इस संबंध में सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया कि तिवारीपुर थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह को 20 शातिर अपराधियों की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में अजमतुल्ला और भोला का नाम भी था। यह काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है। इसकी काफ़ी दिनों से पुलिस को तलाश थी। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर बताए गए जगह डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने अजमतुल्ला और भोला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसकी जमा तलाशी में पुलिस को 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में तिवारीपुर थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह, उप निरीक्षक धर्मेंद्र जायसवाल, उप निरीक्षक दिनेश कुमार, कांस्टेबल सुधीर वर्मा और सुभाष चंद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, ये सक्रिय एचएस है और इसका एक बड़ा आपराधिक इतिहास है और ये आज एक नाजायज असलहे के साथ पकड़ा गया है, जिसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये विभिन्न प्रकार के अपराधों में शामिल रहा है और ये विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि ये जो है नाजायज शस्त्र लेकर के लोगों को डराता धमकाता है, तो आज इसे पकड़ा गया है।